कैश स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल मिस्टर राजा में और कैश आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलेल की रबड़ के बारे में कि गुलेल में सबसे बेस्ट रबड़ कौन सी रहती है और कौन सी रबड़ की कौन सी गुलेल बनाई जाती है तो आप ये देख रहे होंगे मेरे पास ये दो गुलेल रखी हैं एक ए वाली रही इसमें मैंने पीली वाली रबड़ का यूज किया था आप देख सकते हैं ये पीली वाली रबड़ है और इसी का जो छोटा वर्जन होता है मतलब इससे थोड़ी पतली होती है ना तो वो इस वाली गुलील में मैंने यूज किया था आप देख रहे होंगे ये अपनी फिशिंग सेलिंग शॉट है ये वाली और दोस्तों आज जो मैं रबड़ लाया हूँ मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ आपको वो अपन इस बांस की लकड़ी में बांधेंगे तो आप देख रहे होंगे ये मैं रबड़ मैं मार्केट से लेकर आया हूँ आप देख सकते हैं कितनी बेस्ट रबड़ है ये दोस्तों इसके भी मुकाबले ये बहुत मज़बूत होती है ये अपनी 500 मीटर रेंज वाली है और इससे लगभग 600 या 700 तक इसका जो पत्थर होता है ना वो चला जाएगा और दोस्तों इसकी एक ख़ास बात भी है कि इस रबड़ की कि ये वाली जो अपनी रबड़ है ना ये पानी में ख़राब हो जाती है मतलब इसमें थोड़ा सा भी पानी लगाना तो ये जल्दी से ख़राब हो जाएगी ये देखिए ये देख सकते हैं इसमें एक कट लग गया ये वाला तो ये पानी में गिर गई थी मैं एक दिन शिकार के लिए गया था तो वहाँ पर ये पानी में गिर गई थी तो इसमें इस प्रकार के कट आ जाते हैं इस रबड़ में और इस रबड़ को आप पानी में डालें या फिर कहीं भी डालें ना तो इसमें कुछ नहीं होगा ये जैसी है ना वैसी ही रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप भी इस गुलेल बनाने के लिए इसी रबड़ का यूज़ करें ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी रबड़ है और अगर आपको नहीं मिलती है ना रबड़ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा अकाउंट पर तो मैं आपको कुरियर करके भिजवा दूंगा और ये रबड़ आसानी से आपको मिल जाएगी किसी भी जनरल स्टोर पर या फिर खिलौने वाले की दुकान पर आपको ये आसानी से मिल जाएगी तो दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और गुलिल की जो सबसे बेस्ट रबड़ होती है ना ये वाली होती है ये ऑरेंज कलर की रबड़ है आप देख रहे होंगी तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में गैस इसी रबड़ को अपन इस सीलिंग शॉट में बांधेंगी और मैं इसको बांधने का तरीका बताऊंगा कि रबड़ कैसे बांधी जाती है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों एक बात और बहुत से सब्सक्राइबर की कमेंट आई है मेरे पास कि सर गुफा कैसा बनाएं गुफा कितने बड़ा या छोटा होना चाहिए तो मैं उनके लिए बता दूं गुफा इतना साइज का होना चाहिए ताकि ये जो अपना पत्थर है आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल इसमें आसानी से आ जाए ये देखिए ये जो पत्थर है ना इसको ऐसा पकड़ते हैं ना अपन ये देखिए एक बिल्कुल बीच बीच इसके परफेक्ट आना चाहिए ताकि इसको पकड़ने में सहूलियत हो तो मैं एक वीडियो इस पर भी बनाकर बता दूंगा आपके लिए कि गुफा कैसा बनाना चाहिए और कितना साइज का होना चाहिए गुफा तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में